अगर आपको स्ट्रेस है या किसी ने आपको छोड़ दिया है या आपको बहुत सारी बातें कहनी है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है तो आप सही जगह। यस हे गाइस, सो आप सोच रहे होंगे कि कोई ब्यूटीफुल सी लड़की आएगी, पर यहाँ कोई ब्यूटीफुल लड़की नहीं आने वाली। मैं एक आम लड़की प्रिया श्रीवास्तव आज के साथ है। आज मैं उस चीज़ पे बात करना चाहती हूँ जो हर आम इंसान के साथ साथ साथ। वैसे तो मैं हूँ ब्लॉगर, ट्रैवलर, एक आम इंसान, लेकिन ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था जब मुझे सबसे ज़्यादा अपनों की ज़रूरत थी और मुझे मेरे अपने नहीं समझ पाए, मेरे दोस्त नहीं समझ पाए जिनसे आप शेयर करना चाहते थे। बहुत सी चीज़ें अंदर होती हैं कि एक दोस्त से आप कह लो, या एक आप शादी शुदा हैं तो आप अपने फैमिली से कह लो या अपने हस्बैंड वाइफ से कह लो या कुछ भी, बट आप नहीं कर पाते हो। पता है क्यों? सबसे बड़ी दिक्कत आती है जब कोई सामने वाला सुनना ही नहीं चाहता है, जब कोई सामने वाला आपकी बातों को कहता है कि पागल है क्या, इस उम्र में मानसिक रोग होता है। लेकिन ये मानसिक रोग नहीं है, ये हर जनरेशन की आज की दिक्कत है, क्योंकि हम इतनी फास्ट लाइफ में जा चुके हैं कि हम भूल गए हैं कि हमारे अंदर की भी चीज़ें हैं जो कि वर्क करना ज़रूरी होती हैं। तो आज मैं अपनी बड़ी बहन का प्रेजेंटेशन पीपीटी बना रही थी और मुझे लगा ये टॉपिक आपके साथ शेयर करना बनता है, तो इसको शेयर करना। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी लगता है कि यार हाँ इस वीडियो से मुझे थोड़ा सा सुकून मिला है एंड रियली इट्स ओके टू बी नॉट ओके ऑल द टाइम, तो शेयर करना। शायद कोई ये सुनना चाहता हो, शायद कोई ये देखना चाहता हो, शायद कोई इसे देख के फील बेटर फील करना चाहता है कि वो अकेला नहीं है पूरी दुनिया में, और भी इंसान हैं। आज मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ और फिर आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मेरे साथ क्या हुई हैं चीज़ें, वो सब आज की वीडियो में आपको बताती हूँ, कोशिश करती हूँ बताने की। चलिए, स्ट्रेस्ड आउट फील करते हैं लेकिन हम क्या करते हैं, किसी की हेल्प नहीं लेते हैं, क्योंकि हम छोटे हो जाएंगे, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। इट्स ओके टू टेक हेल्प। हम अपनी फिजिकल बॉडी का इतना ध्यान रखते हैं कि हमने अपनी इमोशनल, अपने साइकोलॉजिकल लेवल को तो छोड़ ही दिया है। और स्ट्रेस निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है सुट्टा फूको। क्यों नहीं खुश करते अपने आप को? बाहर की ज़िंदगी को हम इतना खुश करते हैं लेकिन खुद की ज़िंदगी जो अंदर है उसे नहीं करते हैं। ऐसा मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस की, मेंटल हेल्थ बात हम फिजिकल हेल्थ की करते हैं, भाई फिजिकल फिट है कि नहीं, बंदी सही है कि नहीं है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मेंटल फिटनेस, जो कि बहुत कम है आज की जनरेशन में, ट्रस्ट मी बहुत कम। और जब कहते हैं ना मानसिक रोग, तो सब हिल जाते हैं कि यार ये क्या बोल दिया तुमने। बट मैंने कहा ना, इट्स ओके टू बी नॉट ओके, यू आर नॉट परफेक्ट, आप किसी के लिए परफेक्ट नहीं हो सकते हो, तो इट्स कम्प्लीटली ओके टू बी नॉट ओके। और ये सारी चीज़ें एक तरीके की बीमारी है या नहीं, ये आज हम डिस्कस करते हैं। जब आपको नसला होता है, बुखार होता है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो 3 दिन 6 दिन की दवा देते हैं, कोर्स करना होता है और आप सही हो जाते हो। वैसे ही हमारी मेंटल हेल्थ है, एंग्जाइटी, सैडनेस, बाइपोलर, डिप्रेशन, हम इतनी सारी चीज़ें हमारे साथ ज़िंदगी में चल रही होती हैं, लेकिन अगर हम उस पर वर्क नहीं करेंगे तो वो दिक्कत तो करेगी। लेकिन आपको मैं ये बता दूँ कि जैसे तराजू के 2 साइड होते हैं, वैसे ही फिज़िकल और मेंटल हेल्थ को दोनों बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। कैसे करें, किस तरीके से करें, ये मेरे इस वीडियो और आने वाले वीडियो में पता चलेगी। आपके साथ एक ऐसी पर्सनालिटी को मैं सामने लाऊंगी। अगर आप चाहते हो अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस करना, चाहते हो कि एक अच्छी ज़िंदगी जीना, तो सपोर्ट ज़रूर करना है यहाँ से। आजकल की ज़िंदगी में हर चीज़ का स्ट्रेस है, लेकिन कभी कभी लोगों के पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी स्ट्रेस लेते हैं। और आपको पता है कि आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन मेंटल हेल्थ से गुजर रही है,
और उनको पता तक भी नहीं है, क्योंकि जब भी बात मेंटल हेल्थ की होती है, मानसिक रोग मतलब आपको मानसिक रोग है, मतलब आप एक नॉर्मल इंसान नहीं हो। कौन कहता है भाई कि आप नॉर्मल इंसान नहीं हो।